देश ने टीवी जगत के एक बड़े पत्रकार और टीवी एंकर रोहित सरदाना को खो दिया, तो देश के बड़े नेताओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि रोहित सरदाना के प्रति व्यक्त की। आपको सुनाने जा रहे हैं योग गुरु स्वामी रामदेव ने रोहित सरदाना को लेकर क्या कहा। भाई रोहित सरदाना जी की अकाल मृत्यु से बहुत आहत हूं। उनमें जहां एक और हिमालय जैसी उच्चता पत्रकारिता की थी, वहीं हिमशिखर जैसा उनके भीतर का राष्ट्रवाद, अध्यात्मवाद, मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों के प्रति एक सरोकार, एक निर्भीकता और हर कीमत पर अपने काम के प्रति एक जुनून और एक एक क्षण सजगतापूर्वक, जागरूकतापूर्वक अपने कर्तव्य को जीने वाला, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने पत्रकारिता धर्म को जीने वाला, एक अपने महामानव हमने गवा दिया। मेरा लगभग डेढ़ दशक पुराना उनके साथ आत्मीय प्रेम रहा और रोहित जी के माता पिता मेरे प्रति गहरा प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं और मैं भी उसी परंपरा में पढ़ा हूँ, पला हूँ, रचा बसा हूँ। मैंने उनसे भी आज बात की और उनको सांत्वना दी और साथ में मैंने रोहित जी की पत्नी से भी बात की और वो अपने उस परिवार की बेटी को कहा कि दोनों बच्चों के पढ़ाने लिखाने से लेकर के मैं हर तरह से एक परिवार के अभिभावक की तरह आपके साथ हूँ। और रोहित सरदाना जी के छोटे भाई हितेश सरदाना जी, वो तो पतंजलि की सेवाओं के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनको भी मैंने हौसला दिया। और बस जब रोहित का नाम सामने आ जाता है तो हम निशब्द हो जाते हैं और स्तब्ध हो जाते हैं कि ऐसा क्या क्रूर मजाक किया काल ने उनके साथ। बस भगवान, जो रोहित के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, ये प्रार्थना करता हुआ और रोहित भाई की दिव्यंगत आत्मा को भगवान अपने शरणागति दे और वो जल्दी हमारे बीच में लौट करके आए और फिर से अपना पत्रकारिता धर्म और अपना राष्ट्र धर्म निभाएं, यही भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।